ये इसे पद्मनाग कहते हैं। इसके फन पे देखिए पैरों के निशान हैं। लोग कहते हैं जब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पे बैठे थे उस समय जिन नागों के फनों पर उनका निशान होता है उसे गरुड़ नहीं मारता है। देखिए इसके फन पर पैरों के निशान हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर हमारी एक नई वीडियो में। और आज हमने एक गांव है हनुमंतपुर, उसमें एक कोबरा सांप पकड़े हैं जिसको नाग बोलते हैं। और एक पट्टी ढलवासी गांव में दो सांप मैंने पकड़े हैं, एक कोबरा है एक साइलेंट किलर है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद दोनों गांव से हम रेस्क्यू करके लाए हैं और अब इन जंगल में इनको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए ये पूरा जंगल है जो काफ़ी इंसानी बस्तियों से दूर है ताकि किसी को खतरा ना हो इन सांपों से। और ऐसे जो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते हैं उनकी जान बचाने का हम काम करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और शेयर भी करते जाएं ताकि इन बेजुबान जानवरों की हम जान बचा सकें। और आप अभी देखते जाइएगा कि वो सांप कितने खतरनाक हैं। इसमें से ये एक स्पेक्टल कोबरा है और अभी आपको दिखाएंगे, इसे पद्मनाग भी कहते हैं। और एक ये है, ये भी नाग है, देखते जाइए। ये दो सांप हैं। ये एक छोटा सा सांप है, इसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये चुपके से काटता है, लोग जान नहीं पाते हैं। अक्सर चेटी जैसे काटती है ऐसा एहसास होता है, और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब लोग जान पाते हैं कि सांप ने काटा है। अभी आपको हम ये दिखा रहे हैं, देखते जाइए, इस जंगल में इसको छोड़ेंगे। बहुत छोटा सा सांप है, बहुत चुपके से काटता है। ये देखिए कैसे आराम से जंगल में जा रहा है। और दोस्तों अब इन दो जहरीले सांपों को छोड़ने जा रहे हैं जिससे लोगों को खतरा ज्यादा रहता है। और आप हमारी वीडियो में बने रहिए, देखते जाइए कितने खतरनाक ये सांप। और देखिए इनके सांस लेने के लिए इसमें छेद कर देते हैं ताकि ये जीवित रह सके, नहीं तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये मर जाएंगे। और ये भी है, और ये काफ़ी पुराना सांप है, इसमें भी छेद किए हुए हैं। ये देखिए दोनों सांप हैं, कितने फुर्तीले सांप होते हैं ये, जिससे खतरा हो सकता है। ये देखिए ये इधर। और हमारी वीडियो देखकर कोई कॉपी ना करे क्योंकि हम सांप, देखिए ये कितना बड़ा सांप है। ये इसे पद्मनाग कहते हैं। इसके फन पे देखिए पैरों के निशान हैं। लोग कहते हैं जब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पे बैठे थे उस समय जिन नागों के फनों पर उनका निशान होता है उसे गरुड़ नहीं मारता है। देखिए इसके फन पर पैरों के निशान हैं, आप देख रहे होंगे। अरे बाप रे, देखिए कितने खड़े हो जा रहे हैं ये दोनों। ये देखिए, देखिए। और लोग इनके काटने पे झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से खतरा हो जाता है लोगों को। और हमारी वीडियो देखकर कोई कॉपी ना करे
ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर इन बेजुबान जानवरों की जान बचाना आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। और इन बेजुबान जानवरों को जिससे जान बच सके, वैसे ये होते जहरीले हैं। दोस्तों अब इनको हम उठा उठा के इन जंगलों में छोड़ दे रहे हैं ताकि ये चले जाएं। जाओ देखिए, देखिए ये कैसे जाने। एक चला गया है, बोलो। एक चला गया है, अभी एक बचा है, तो इसको भी कह रहे हैं चला जाए। देखो कैसा काफी गुस्से में है। जाओ इधर, काफी दूरी पे छोड़ दे रहे हैं ताकि ये चला जाए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने उन बेजुबान जानवरों को, सांपों को, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया जो काफ़ी जहरीले और ख़तरनाक थे। और ऐसे बेजुबान जानवरों को हम बचाते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।